दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार एच भट्टी। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ, जो 3 4 दिन पहले आप जानते हो सुजमा आर्मी कैंप के ऊपर एक हमला हुआ था, जो काफ़ी 3 दिन वो इनकाउंटर चला, तो उसके ऊपर मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। तो इसको गौर से सुनिए। उससे पहले मैं लश नायक इकबाल साहब की पत्नी की एक स्टेटमेंट है, एक बयान है जो इस टाइम वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। उसको गौर से सुनिए और उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपने देख लिया होगा लश नायक इकबाल साहब की पत्नी ने जो कहा, और क्योंकि ये कश्मीरी में कहा तो मैं ज़रूरी है कि आप लोगों को हिंदी में भी बता देता हूँ कि इन्होंने कहा क्या है, क्योंकि कुछ फॉलोअर्स मेरे पूरे इंडिया से जुड़े हैं तो उनकी समझ में भी आना चाहिए कि कहा क्या है। इन्होंने कहा है, इस बहन ने जिनका आज पति इस दुनिया में इकबाल साहब नहीं है, ये त्रार कश्मीर त्रार से आते हैं जहाँ से ब्रान वानी आता था। ब्रान वानी का नाम तो सुना होगा आप सबने। यहाँ इन्होंने ये बोला है कि मेरे पति को मिलिटेंटों ने नहीं, आर्मी वालों ने मारा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को 3 दिन से ये चीज़ चल रही है, अभी तक किसी मीडिया ने इस चीज़ का सवाल नहीं उठाया। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है कि आर्मी वाले की पत्नी जो वहाँ मौके पर मौजूद थी, वो स्टेटमेंट दे रही है कि कोई मिलिटेंट अटैक नहीं हुआ, वहाँ आर्मी वालों ने ही जम्मू कश्मीर के जो 5 जवान मारे गए हैं उनको मारने वाले आर्मी वाले थे, या मेरे पति को मारने वाला आर्मी वाला था। अभी तक इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी, सबसे पहला पॉइंट ये है। आज मुझे जहाँ तक काफ़ी लोगों से बात हुई, और कई लोग ऐसे जो हमारे हिंदुस्तान में नौजवान जो आर्मी में हैं, CRPF में हैं, तो उस तरीके से आज उनके दिलों में दहशत पैदा हो रही है कि ये ना हो कि कल इनकाउंटर के बहाने जितने मुसलमान लड़के कैंपों में, आर्मी या CRPF के कैंपों में हैं, उनको टारगेट करके उनको गोली मार दी जाए। ऐसा भी आज हमारे नौजवान जो आर्मी में हैं, CRPF में, वो सोचने लग गए हैं। जो घटना जम्मू आर्मी कैंप के ऊपर हुई है सुजमा में, जिस तरीके से उस पत्नी ने, इकबाल साहब की बीवी ने जो स्टेटमेंट दी है, वो उस चीज़ को सोच के आज नौजवान, आज ये आर्मी का सोच रहा होगा और CRPF का सोच रहा होगा, जो खासकर मुस्लिम है वो सोच रहा होगा, ये ना हो क्या कोई इनकाउंटर का बहाना लगा के हमें भी मार दिया जाए कल, और ये बता दिया जाए कि यहाँ मिलिटेंट का हमला हुआ था, उसी में हमारे जवान मारे गए। दोस्तों ये छोटी सी बात नहीं है, ये समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जम्मू कश्मीर में आज से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रहा है। तो मैं दोस्तों से सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा कि हमें मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाएगा, मीडिया किसी और चीज़ को दिखाता। और मीडिया ने क्या दिखाया कि देखिए जम्मू कश्मीर में आर्मी के नौजवान इस दुनिया से जाते हैं, मरते हैं, उनके ऊपर लाखों का जनाजा आता है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ एक्सीडेंट होता है तो तब भी लाखों नमाज पढ़ने के लिए आते हैं जनाजे के लिए, यहाँ मिलिटेंट मरता है तो तब भी लाखों आते हैं, यहाँ आर्मी वाला मरता है तो तब भी लाखों मरते हैं, यहाँ आम आदमी मरता है तब भी लाखों लोग जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ आर्मी से लेके, पुलिस से लेके, ऑफिसर से लेके, जितने भी जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो अमन पसंद आवाम है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, वो यही कह चाहती है कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल हो। ठीक है, हल होने से मतलब क्या है कि हल अगर जम्मू कश्मीर का पीस होगा, अमन होगा, तो जम्मू कश्मीर में चाहे वो आज बिहार का एक CRPF वाला मारा गया, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का हो, हम चाहते ये हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी का भी खून अजया ना हो, किसी की माँ की कोख उजड़े ना। हर इंसान को जीने का हक है, चाहे वो CRPF वाला है, चाहे आर्मी वाला है, चाहे फोर्स वाला है, चाहे वो सिविलियंस है, चाहे मिलिटेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हैं सभी। तो ये पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। मीडिया में दिखाया जाता है पाकिस्तान किया ने, आज पाकिस्तान ने हमारे एक नौजवान को मारा, पाकिस्तान ने नहीं मारा, ये जम्मू कश्मीर की अंदर की लड़ाई है, और इसको जम्मू कश्मीर के अंदर की लड़ाई तुम्हारी वजह से, और आप लोगों को चाहिए मसले का हल करना। लेकिन सबसे बड़ा पहला मेरा इशू ये है कि जो इकबाल साहब की बीवी ने कहा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो कोई नौजवान आज के बाद CRPF आर्मी में भर्ती होने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डर होगा, ये ना हो कि हमें बहाने से हमारा इनकाउंटर करके मिलिटेंट के ऊपर लगा दिया जाए। इसलिए आइंदा कोई ऐसे फोर्स में नहीं जाएगा, ना आर्मी में नहीं जाएगा। जब अगर इंक्वायरी होती है तो हम इस इंक्वायरी की मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए NIA से या CBI से इंक्वायरी हो कि इनकाउंटर हुआ था या नहीं हुआ था।
इसकी पत्नी जो इकबाल साहब को किसने मारा, किसने नहीं मारा, ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो मुजरिम है वो बाहर आने चाहिए, और जो असल सच रियलिटी है उसको बाहर लाइए, तब जाके आर्मी के ऊपर और फोर्स के ऊपर और प्रशासन के ऊपर विश्वास होगा लोगों का, तो उसके बाद जब कश्मीर का मसला हल करिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।